धूप देखें, इस कदर धूप है कि धूप से ना डर लगता है धूप देख के। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, और आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो व्यूअर्स, व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो व्यूअर्स, इस वक्त टाइम हो गया है 11:30 का, और अब मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ, और साथ जा रही हूँ ये जो है ना, मैं कपड़े देने के लिए जा रही हूँ टेलर को। ये जेंट्स कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के, तो ये मैं टेलर को देने के लिए जा रही हूँ। और फिर जो अपने कपड़े दिए हुए हैं दूसरे टेलर को, लेडीज़ टेलर को, तो उसके पास भी जाना है कपड़ों का पता करने के लिए, और फिर मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। और बाहर है इतनी ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा बहुत धूप है कि बाहर निकलते हुए डर लगता है, लेकिन अभी मजबूरी है कि जाना तो पड़ना ही है। ये आ गई है जी टेलर की शॉप, और टेलर भी मिल गया है मुझे रास्ते में, ये देखें। हाँ जी, तो अब मैं जा रही हूँ दूसरे टेलर के पास। एक टेलर को मैं कपड़े दे के आई हूँ सिलाई करने के लिए, वो गली में ही मिल गया था, और वो भी बच्चे लेने के लिए जा रहा था स्कूल में, तो उसको मैं रास्ते में ही कपड़े दे के आ गई हूँ। और दूसरे टेलर के पास जा रही हूँ मैं, अब लेडीज़ टेलर के पास, और उसके बाद फिर चलेंगे हम स्कूल में बच्चों को लेने के लिए। चलो जी, ये मैं बच्चों को लेके आ गई। भागो, नहीं भागना नहीं है फिर, ये देखो भागना, मैंने कहा मैं देखो वो भाग लिया। चलो जी, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, चलो जा। और व्यूअर्स, बच्चों को मैं स्कूल से लेके आ गई थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, और अब धूप थोड़ी कम हुई है। हमने जाना था डॉक्टर के पास, और अब धूप कम हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और फिर हम बनाएंगे आज मैक्रोनी। मैक्रोनी का सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ, और ये देखिए हमारा चूज़ा, ये देखें, ये चला गया था हमारे घर से, हमने इसको बेच दिया था बेचने के लिए, अपने शॉप पे हमने भेज दिया था कि उधर से ये बिक जाएगा, लेकिन ये फिर नहीं बिका, और इसने हमारी जान नहीं छोड़ी, और ये फिर आ गया है गाड़ी, यानी कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये वाला हिसाब हो गया है, ये फिर आ गया है, इसका दिल नहीं लगा हमारे बगैर। देखें, ये फिर आ गया है हमारे घर, इसको इधर इतना आराम है ना, जिधर मर्जी ये गंद डालता है, इधर डाले उधर डाले, और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा मुसीबत थी, इस वजह से ना हमने इसको चाहा था कि ये जो है ना बिक जाए कहीं, लेकिन ये फिर घर आ गया, पता नहीं ये कब हमारी जान छूटनी है, मुसीबत है ये तो, बड़ी मुसीबत है। तो चले, हम चलते हैं किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें, और फिर हम उसके बाद जाने लगे हैं डॉक्टर के पास, तो प्लीज़ आप हमारे साथ साथ रहिएगा। क्लिनिक आ गया है डॉक्टर का, और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए।
ये पूरी फैमिली में तीनों भाभी मिलके ना तीनों मकरोनी बना रही है। ये देखिए जी माशाल्लाह तीनों मिलके बना रही है। ठीक है चलाओ 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 तुम दो ही। तो अभी बस माशाल्लाह ये हमारी चिकन मकरोनी हो गई है रेडी। ये देखें और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको और आपको टेस्ट करके बताऊँगी कितनी मज़ेदार बनी है। ये देखें जी माशाल्लाह ये देखें जी ये है इसकी फाइनल लुक दिखाओ यार। देखें ये है इसकी फाइनल लुक और आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी अरे बहुत हॉट है। ना बहुत ज्यादा बहुत टेस्टी बनी है मेरी माशाल्लाह तीनों बफे पास हो गई है। ठीक है जी आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।